सिवान के मुफस्सिल थाने की पुलिस द्वारा एक रेलवे कर्मचारी को पीटने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल मामला है सिवान के कलिंजरा का, जब ड्यूटी कर लौट रहे रेलवे कर्मचारी मोनू, जो कि ट्रैक मेंटेनर है, उन्हें पुलिस ने रोक दिया और फिर बाइक के कागजात मांगे। मोनू द्वारा कागजात दिखा दिया गया, लेकिन हेलमेट नहीं था, जिसके कारण मोनू से कुछ पैसे की डिमांड की गई। और जब वो पैसे देने में आनाकानी करने लगे तो उस मुफस्सिल थाने के दारोगा द्वारा पिटाई कर दी गई, जिससे वो घायल हो गया। जब रेलवे कर्मचारी मोनू सदर अस्पताल इलाज कराने पहुंचा तो वहां मीडिया से बताते हुए मुफस्सिल थाना के दारोगा परशुराम सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेलमेट नहीं रहने के एवज में मुझसे परशुराम सिंह पैसा मांगे और मेरी जाति पूछे, जाति बताते ही मुझे पीटने लगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार क्या हो गया है सुशासन बाबू के इन रखवालों को, जो अपराधियों को खुली छूट दे रखे हैं और निरीह जनता को परेशान कर रखे हैं। अगर मोनू यादव के पास हेलमेट नहीं थी तो उस पर फाइन करना चाहिए था, न कि उसकी जमकर पिटाई। फिलहाल इस पूरे मामले पर सिवान के एसपी को संज्ञान लेना चाहिए और जो मोनू यादव ने दारोगा पर आरोप लगाए हैं उसकी भी तहकीकात कर जो दोषी हो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, कि फिर से भविष्य में इस तरह की घटना न दोहराई जा सके। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट। सीन और सजा रहे थे 8 बजे रात को, वहाँ कलिंगरा में चेकिंग कर रहे थे सर, तो हमको रुक हम रुक गए तो ड्राइविंग लाइसेंस मांगे, गाड़ी कागज मांगे, हम सब दिखा दिए। हेमलेट मेरे पास नहीं था, छूट गया था, तो बोले हेमलेट नहीं 1000 रुपया दो। हम बोले 1000 रुपया तो नहीं है, जो चालान का रसीद है फाइन का वो ले लीजिए, हम भर देते हैं उस फाइन, चल जाते हैं। आज तो चालान मांगने वाला कौन होता है, कौन जाता है, जादो है। उसके बाद डंडा चलाने लगे पूरा शरीर पे, ले आया गाड़ी में बैठा लिया। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, कौन है? मोनू कुमार सरा में घर है। कौन है वो? सिवान है, मुफस्सिल थाना का है, परशुराम सिंह बैच पे लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया गया आपको? तो गाड़ी में बैठा लिया कि तुमको जेल करेंगे, ही करेंगे प्लान टिकाने से ही। उसके बाद में फिर 1000 रुपये लेके छोड़े हमको, और जात पैसा ले, हाँ पैसा ले। उसके बाद क्या पीते उठे भी हैं? हाँ पूरा हाथ हाथ देखिए हो गया। क्या चीज से मार रहे हैं? डंडा से मार रहे थे। क्यों आखिर मारे क्यों? जो पैसा वही तो नहीं बता रहे थे।